और वो एस्टुराइन लेक है लगभग 1000 स्क्वायर यार. फ्रॉम द पास्ट 30 इयर्स वी हैव सीन अ 35% डिक्लाइन इन द वेटलैंड व्हिच इज इवन मोर. क्या दिखाना चाह रही हो इस पोस्टर से? वर्षों, दशकों, शताब्दियों, सहस्राब्दियों तक जो चल सके. Wetlands are a natural solution to era-defining global threat of climate change. They absorb carbon dioxide, so help slow global heating and reduce pollution. Hence, water extraction on a large scale. Now, I would like to emphasize the drawback associated with the technology. My name is Rabia Tabassum Khan. I am a PhD scholar in SMVDU University, Shri Mata Vaishno Devi Katta University. Today, our university has organized a one-day field trip for wetland awareness. एक्चुअली 2 फरवरी जो होता है वो हर साल मनाया जाता है. एक वेटलैंड कंजर्वेशन वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. वेटलैंड्स हमारे लेक्स, हमारे झरने, हमारी छोटी छोटे तालाब, वो सब जो होते हैं वो वेटलैंड्स होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं पानी के लिए. इनसे लोकल जो लाइफ है वहाँ पानी आता है एग्रीकल्चर में. लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों का जो एकदम से हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन्स आ गया इन छोटी वाटर बॉडीज़ पर. जहाँ पहले हमें हर 10 जगह के बाद एक वेटलैंड मिलता था, आज वहाँ पे वो नहीं है. जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए, मानसर एक बहुत बड़ा लेक है, यह सुनीसर एक बहुत बड़ा लेक है. तो लोगों के अर्बनाइजेशन के वहाँ आगे पीछे घर बनाने से वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं. दे आर नॉट यूजेबल एनी मोर. तो इस डे का यही महत्व है कि हम लोगों को, लोकल पीपल्स को समझाएं कि आप वो रिसोर्स यूज़ करो लेकिन समझदारी के साथ. आप अपने घर का वेस्ट ना डालें. या अगर टूरिस्ट वहाँ आते हैं, क्योंकि वो एक मानसरे का आस्था का स्थल है, वहाँ हर साल लोग अपनी आस्था के लिए जाते हैं, तो वो अपना जो कूड़ा कचरा है वो इस तरह से वहाँ ना बहाएँ. वहाँ पर कोशिश करें कि जितना से ज़्यादा साफ रख सकें. जैसे वहाँ मछलियों को आटा खिलाया जाता है, वो उनके लिए अच्छा नहीं है. तो उस सबको लेके आज हमारी यूनिवर्सिटी ने एक तरह का एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके सबके बारे में. तो आई होप कि हमारे यहाँ जो डिबेट कॉम्पिटिशन हो, जो पोस्टर कॉम्पिटिशन हो, और लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन हो, और आई होप कि वो लोग इस चीज़ को समझें और अवेयर हो कि हम किस तरह से अपने वेटलैंड्स को सेव कर सकते हैं. मेरा नाम हिमेंद्र सिंह है. मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में. सो आज हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वर्ल्ड वेटलैंड डे पे. इस प्रोग्राम का देखने में एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों ने पोस्टर बनाए, डिबेट ऑर्गेनाइज़ हो रही है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. और ये हम आम जनता को समझाना चाहते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये हमारी जितनी भी वेटलैंड्स है. वेटलैंड मतलब जहाँ पे हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, जहाँ पे कोई छोटा तालाब हो गया, लेक हो गई. अब आप जैसे देखें कि डल लेक है, वुलर लेक है, मानसर लेक है, ये सुरिनसर लेक है. तो विद टाइम जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ता है, लोग तो यहाँ पे आके इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को, इस प्रकृति का नज़ारा लेते हैं. लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कचरा, गंद फेंकना, आसपास की लोकेलिटी वाले वहाँ पे लिफाफा फेंक देते हैं, कोई अपने घर से जो भी आसपास का कचरा होगा वो उसमें डाल देगा, तो कुछ समय के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें. और इसकी एक मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल दूं तो मेरे घर के पास ही एक तालाब है जो पिछले 10 सालों से कम होता होता आज कम से कम भी 50 मीटर पर रह गया. तो इम्पॉर्टेंट यही है कि लोगों को पहले समझाया जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ये हमारी नहीं है, ये हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी धरोहर है, तो हमें उसको संभाल के रखना है. आज ऐसा ही इन लोगों को मैंने कहा कि आप इसके बारे में और ज्ञान हासिल करें, क्या हो रहा है हमारे वेटलैंड्स के साथ में, कुछ कमी है, गड़बड़ी हो रहा है, और साथ साथ जो इसमें जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करें, ताकि समय समय पर साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी फिर कोई करेगा तो देखेगा कि कुछ कमी आया है या कुछ अच्छा हुआ है, क्या हो रहा है.
तो एक तरफ तो सरकार का प्रयास रहता है, लेकिन आम आदमी का भी प्रयास इसमें होना चाहिए और बच्चों का अपना जो रोल है, क्योंकि कल के भविष्य यही हैं हमारे, उनको इसके महत्व के बारे में समझाया गया और इसके महत्व के बारे में उन्होंने खुद भी अपने से जो कमिटमेंट एक आता है मन में ना कि नहीं हमको कुछ करना है आगे, ये ऐसे अवसर पर ये फ़ायदा होता है।